कुरान के अपमान को लेकर दुनिया भर के कई मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। इसी बीच लेबनान शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला ने एक भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने शनिवार यानी कि 29 जुलाई को कहा कि यदि मुस्लिम बाहुल देशों की सरकारें कुरान के अपमान की अनुमति देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं तो मुसलमानों को कुरान पर हमला करने वालों को दंड देना चाहिए। हाल ही में डेनमार्क और स्वीडन में कुरान जलाने के मामले सामने आए। पिछले कुछ दिनों में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ये तीसरी बार है जब कुरान जलाने का मामला सामने आया है। मंगलवार को मिस्र और तुर्की दूतावास के सामने भी कुरान का अपमान किया गया, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में नाराजगी है। स्वीडन में कुरान जलाए जाने का मामला सामने आने पर दुनिया भर में इसका विरोध हुआ। कई लोगों ने स्वीडन के राजदूत से इस घटना पर कड़ा ऐतराज भी जताया। इसी बीच इस बेअदबी पर इराक में प्रदर्शन हिंसक हो गए। राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को स्वीडन के दूतावास को आग के हवाले कर दिया। इराक में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी बगदाद में स्वीडिश दूतावास के पास एकत्र हुए और अंदर घुसकर तोड़फोड़ मचा दी। इसके बाद इराक के प्रधानमंत्री ने देश से स्वीडन के राजदूत को निष्कासित करने का आदेश भी दे दिया। वहीं स्वीडन ने इराक में अपने दूतावास को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। इराक के अलावा कई अन्य मुस्लिम देशों ने भी स्वीडन में कुरान की बेअदबी पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी जब स्वीडन में कुरान के साथ बेअदबी का मामला सामने आया था, तब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों ने स्वीडन के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया था। पाकिस्तान ने इस घटना को इस्लामोफोबिया से भी जोड़ दिया था। डेनमार्क और स्वीडन दोनों ही देशों ने इस घटना की निंदा की है, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के नियमों के तहत वो इसे रोक नहीं सकते। डेनमार्क में इस तरह की घटनाओं को भड़काऊ और शर्मनाक बताते हुए इसकी निंदा की गई, लेकिन कहा गया कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच दुनिया में हो रही तमाम आलोचनाओं के बीच स्वीडन ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने का आरोप लगाया है। स्वीडन का कहना है कि वो रूस समर्थित दुष्प्रचार अभियान का शिकार है। ऐसा करके वो स्वीडन की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने भी अपने एक फेसबुक पोस्ट में कुरान जलाने की घटनाओं को अस्वीकार किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि ये गलतफहमी फैल रही है कि स्वीडन कुरान जलाने की घटनाओं का समर्थन करता है, जो कि सच नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वीडन कुरान की प्रतियां जलाने की अनुमति नहीं देता, हालांकि पुलिस सार्वजनिक विरोध के लिए अनुमति जारी करती है। ये एक ऐसा अधिकार है जो स्वीडन के संविधान में निहित है। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल। नमस्कार।